ध्यान किधर है, तेरा ही रोम इधर है। जब हजम नहीं होती तो इतनी पी गए को। ए, मेरे मिस्ड कॉल। ये तो बदमाश टाइप लोग लग रहे हैं जो इधर आ रहे हैं। बस क्यों रहे तू? बेटे नहीं, तू डर मत, इधर झिंगुर है ना, इन लोगों को तो ऐसा संभाल लेगा ऐसा। तू खुद को तो संभाल पहले। वैसे मैं जब तेरे को इशारा करूंगा ना तो तू संभाल के चुपचाप से यहाँ निकल जाना। ये रुक, मैं लोग को देख कर आता हूँ। क्या बोलो, क्या करोगे बोलो? क्या ये देख ना, इसकी छाती तो देख। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? चल इसे घर छोड़ देते हैं। ये तो मन चीज के टूटना चाहते हैं। तुम लोग को शर्म नहीं आती है ऐसे शरीफ लड़के को छेड़ते हुए? हम भी तो शरीफ हैं। आयो रे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। क्या कर रहा है? छोरा छोरी फर्क न समझे, मारे सब पे छलांग। टीनी, हे टीनी, तुम यहाँ पर भी हो? अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, और ये तुम भी टीनी हो? अरे तू सुनता क्यों नहीं है, टीनी इधर है। अबे मत कब फंसा दिया मेरे को। नहीं इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ये वही झिंगूर है जिसने टीनी को इतना परेशान किया। लुट जाने दो आज इसकी इज्जत, लुट जाने दो। नहीं टीनी नहीं, आखिर है तो पारस का भाई ना, कहीं चलना है क्या? चलो ना, बैक रोड चलेंगे। ओह, बैक और रोड, चलो। इज्जत तो इसकी बचानी पड़ेगी, क्या करूं? क्या रास को? तुम्हारी इतनी हिम्मत? टीनी, तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या असली के गुंडे थे? हाँ, और तेरी इज्जत लूटने वाले थे जो मैंने आज बचा ली। इज्जत? अभी चल, पकड़, निकल। मेरा ना एक और एहसान बढ़ गया अभी तुम लोगों पे, मैंने तुम्हारी भाई की इज्जत लूटते लूटते बचाई। मेरे को लगता है कि ना अभी तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए तुमसे। बिल्कुल टीनी, जो तुम चाहो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी, वो लोग गुंडे थे, तुम दोनों को कुछ हो जाता तो। सॉरी, तू अभी तक टीनी को पहचानी नहीं, बड़ौदा में ना किसी माने ऐसा गुंडा नहीं पैदा किया जो टीनी का कुछ बिगाड़ सके। तू चिंता मत, मैं अपने आप को और टुन्नु को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, ख्याल रखूंगी। वैसे टीनी शॉर्पी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बेवजह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर ऑल सडन डन आज जो तुमने किया वो तो कमाल ही कर दिया। आज अमन के 7 दिन भी पूरे हो गए और इन 7 दिनों में वो तुम्हें इंप्रेस नहीं कर पाया। इंप्रेस तो दूर की बात, उसकी खुद की इज्जत दांव पर लगी। अब अगर उसे यहाँ से फ्लाइट नहीं मिली ना यूएस के लिए तो वो तो पैदल ही निकल जाएगा। मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा देसी कर, कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। अब बस यही बस जाऊंगा तेरी आंखों में। आज तक मैं जिसे ढूंढ रहा था आज मैंने उसे पा ही लिया। यही तो वो लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था, देसी का। तू ठीक तो है ना? देसी का
तेरी जबान भी अब तेरा साथ नहीं दे रही क्या? हाँ नहीं देसी गर्ल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसका इंतजार कर रहे हो? देसी गर्ल, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ना शराब पी के दिमाग की बैटरी फूक गई थी, ना नशे में आ गया था कि उसको ना कुंडों में भी मैं ही में नजर आ रही थी, बोल रहा था दो दो टीनी दो दो टीनी। But thank God कि सब कुछ स्मूथली निपट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कल से हमारी जिंदगी फिर से नॉर्मल ढंग से चलेगी। ये मुझे हो क्या गया? ये मुझे टेनी हर तरफ क्यों दिखाई दे रही है? आई टेल यू अमन, तुझे प्यार हो गया है। yes. अमन को प्यार हो गया है। अब अपने प्यार को साथ लिए बिना ये अमन यहां से वापस नहीं जाएगा। पनपेले पारत सरोवरी से मिल लेते। ओशो! लगता है भानुशाली सर्कस में आज फिर कोई बड़ा तमाशा हुआ है। सारे के सारे नमूने खड़े हैं। अरे टेनी, आ जाओ। अच्छा हो तुम आ गए। अच्छा हो तुम आ गए, हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ भाभी, तो अब आप बताइए ना, आपने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है? सुबह मुझे कुछ ऐसी चीज मिली है जिसे हमसे सालों से छुपाई गई थी। दादाजी और दादी जी का मैरिज सर्टिफिकेट। आज उनकी शादी को पूरे 50 साल हो गए। 85 साल गिरा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये तुझे मिल गया, वरना बा और बापूजी ने हमें आज तक नहीं बताया उनकी शादी की डेट क्या है। अरे तुम लोगों को क्या इंदु, आज तक मुझे नहीं बताया था उन्होंने? अब जब ये राज खुल चुका है तो हमें दादाजी और दादी के लिए ये दिन यादगार बनाना चाहिए। यानी कि पार्टी, वो भी इतनी शानदार कि दादा दादाजी दोनों सरप्राइज रह जाए। राइट। हाँ, सबसे बड़े वाली भानुशाली की शादी की सालगिरह तो एक बड़ी पार्टी तो बनती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो हमारी सारी प्लानिंग है इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। शौर्वी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका मतलब ये पूरी प्लानिंग बहुत ही खुफिया तरीके से होनी चाहिए। दादाजी, दादी और अमन को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अमन? पर उन्हें क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये पार्टी सिर्फ दादाजी और दादी जी के लिए नहीं, बल्कि अमन के लिए भी बहुत स्पेशल। ओ झिंगुर के लिए पल। मतलब कि अमन के लिए पार्टी? क्यों, वो भी सरप्राइज वाली? क्योंकि आज अमन US वापस लौट रहा है, तो इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि दादाजी और दादी जी की एनिवर्सरी के साथ साथ ये अमन की फेयरवेल पार्टी भी होगी, ताकि वो यहाँ से जब जाए तो वो लगेज नहीं, हमारी प्यार भरी मीठी मीठी अच्छी अच्छी यादें लेकर जाए अपने साथ। ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है तुम लोगों ने, पर एक समस्या है, इस सब के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होगी और बार बापूजी तो सामने ही होंगे घर में, उन्हें तो तुरंत पता चल जाएगा। वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया है। ये देखिए, ये तो हमारे घर का नक्शा है। हाँ, इस जगह पर हम स्टेज बनाएंगे और ढेर सारा डेकोरेशन होगा और एंट्री इस तरफ से होगी। पापा जी,
इस डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके। और काकी जी, खाने पीने का डिपार्टमेंट आप संभालेंगे। अरे वाह वाह, श्रीनाथ जी सौनु बलू करे सारू। माँ, जब तक हम ये सारी तैयारियां करें तब तक आपको दादी जी को बिजी रखना होगा, वरना उन्हें घर में कौन क्या कर रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक। हाँ, मैं जानता हूँ, जब दादाजी अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आए तो उसके ठीक 2 घंटे बाद मुझे और पापा को उन्हें बिजी रखना है, राइट? गुड। कंपनी का सर। माँ, आपको ठीक 4 घंटे बाद दादी जी को किसी भी तरह से घर के बाहर लेकर जाना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बहाना बनाऊंगी? अरे इंदु, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सत्संग में ले जाना, रानी मेहता जिसका न्योता देने आई थी ना, वहीं पे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और सेजल, पार्टी की सारी इंतजामों की सुपरवाइजिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके भाभी। एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी। सच्ची? अभी तो देख, तेरी पार्टी में किसे 4 चांद लगा दूंगी मैं। एकदम सही काम मिला है इसको, खोटू नहीं कहूं। वैसे भी तमाशा करने में तो एकदम माहिर है ये टेनी। तो अब हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि आज की इस पार्टी को हम दादाजी, दादी जी और अमन के लिए मिलकर यादगार बनाएंगे। जमाने गुजर गए अंबिका, लेकिन तुम जरा भी नहीं बदली। लेकिन आप बदल गए हैं। हाँ, अरे जरा आपने बाल देखे, सफेद हो गए हैं और चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। तो उम्र का तकाजा है, शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ ही देता है, मगर आपकी याददाश्त ने तो पूरी तरह से आपका साथ छोड़ दिया। क्या? हाँ, वरना इतना खास दिन आप कैसे भूलती? आज ऐसा कौन सा खास दिन है जिसे मैं भूल गई? 5 मई है आज। हाँ तो? आज से ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन 7 जन्मों के बंधन में बंधे थे आप और हम। ओहो, तो आपको सब याद है। बिल्कुल। याद तो मुझे भी है, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि इस बार पहले किसको याद आता है, आपको या मुझे। अच्छा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उम्र ने हमारे शरीरों को जरूर बूढ़ा किया है, रिश्ते को नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा ये बताओ, हम आपको क्या तोहफा पेश कर सकते हैं, या फिर पार्टी करें? क्या बात कर रहे हैं। मैं और पापा हमारे प्लान के मुताबिक दादाजी को बाहर लेकर जा रहे हैं। मुझे भी जो घर में सारी तैयारियां करनी है उसकी लिस्ट बना के तैयार है। अपनी पत्नी का ये रूप तो पहले कभी देखा नहीं मैंने। Not bad. अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया? सब कुछ तो तुमने किया। I mean, दादाजी और दादी की 50वीं सालगिरह का पता लगवाया और उसके बाद इतने कम समय में तुमने सरप्राइज पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर ली। कितना अच्छा लगता है ना बात, जब इतने लंबे रिश्ते हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। वो भी ऐसे रिश्ते जो पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहे। 50 साल एक साथ गुजारे हैं दोनों ने। वही तो। देखना, एक दिन हम भी अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। दादाजी चले, आपको हमारी नई फैक्ट्री की साइट दिखाएं। अरे वाह, लेकिन बेटा ऐसे अचानक? बापूजी, वो क्या है ना कि आप जितनी जल्दी ओके बोलेंगे उतनी ही जल्दी डील लॉक हो जाएगी और हम काम भी शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो। बापूजी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना बेटा। बापूजी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन कौन सा था? रमनीक, ये अचानक तेरे दिमाग में ये सवाल कैसे आया? ऐसे ही बापूजी, ऐसे ही, प्लीज बताइए ना। जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। सच बापूजी? मेरी बात पर शक है तुझे? नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं। तेरे पापा और दादाजी दोनों इमोशनल हो रहे हैं। बेटा, जिस दिन तू बाप बनेगा ना, उस दिन तुझे इस बात का एहसास होगा।
अच्छा दादाजी चले, वरना अगर मेरे बाप बनने का इंतजार किया तो 6 महीने और रुकने पड़े। ये ठीक कह रहा है बाबू श्री। चलिए बाप, वो रानी बहन के यहाँ सत्संग है ना, चलना नहीं है क्या? ना इंदू, आज तो तू ही होया। वो क्या है ना, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है, नीचे नहीं बैठ पाऊंगी ना। हाँ बा, चली जाइए ना, सत्संग में जाना बहुत अच्छा होता है। और बा, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। देखिए बा, इंदू भी नाराज हो गई। आप जाएंगी ना तो इंदू को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझे घर से बाहर भेजने में लगी हुई हो? दादी जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरा दिन घर पे ही रहती है, बोर नहीं हो जाती होंगी? आपको कभी कभी बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। हाँ वैसे दादी जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? गुलाबी छे। पर क्यों? और आपको कौन सी मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है? मिठाई? रबड़ी मेरी फेवरेट छे। पर क्या है ना, तुम्हारे दादाजी की वजह से वो रसमलाई भी थोड़ी ठीक ही है, पर एक मिनट, तुम सब लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? अरे कोई नहीं बा, एमज वो क्या है ना कि मैं कुछ मीठा बनाने वाली थी, मुझे लगा आपकी पसंद का ही बना देती हूँ। वैसे ना रबड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है बा। अब बा, सत्संग में चलिए ना, आप नीचे नहीं बैठ सकती ना तो वहाँ कुर्सी पर बैठ जाइएगा, पर चलिए ना। सच? हाँ। फिर ठीक है। मुझे लगता है कि मैं पूरे घर के बाहर लाइट्स लगा देनी चाहिए और भानुशाली हाउस में लुक सो कूल। इसमें ना खाली लिपस्टिक लगाना और अपनी फोटो खींचने जितना दिमाग है। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, सीजल भी ने एक बात बता, तू छोटी थी तभी सर के बल कहीं गिरी विरी थी, तेरे को चोट वोट लगी थी, तेरे को इतना नहीं समझता। अगर तू घर के बाहर लाइटें लगाएगी तो तेरे दादा दादी जी का सरप्राइज पूरे बड़ौदा को नजर नहीं आ जाएगा। जब उनको तो हुआ। क्या बातें हो रही, मुझे भी तो बताओ। डैनी, मुझे अमन से कुछ जरूरी बात करनी है, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। एक सेकंड, डैनी जी कहीं नहीं जाए। इसको क्या हो गया, ये मेरा नाम इतनी इज्जत के साथ लेने में लपेट के क्यों ले रहा है? ओ, आज इसका इधर आखिरी दिन है ना, तो शायद इसीलिए मेरे को सुधर के दिखा रहा है। सेजल, मुझे डैनी जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बाकी घर वालों के बाद अब ये अमन भी नाचने लगा इस टैनी के पीछे। टैनी जी, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देख, अभी तो फिर से मेरे साथ कोई चैलेंज वैलेंज तो नहीं खेलने वाला ना, क्योंकि मैं जीत गई हूँ, अभी तो चीटिंग नहीं करेगा। और नहीं नहीं टैनी जी, इस बार कोई चैलेंज नहीं। चैलेंज नहीं है तो बोल, तेरे को क्या बात करनी है बोल। मुहूर्त का इंतजार कर रहे क्या बोलने के लिए, बोलना। टैनी जी, आप, मैं आपसे अभी तो हकलाने भी लग गया है क्या? नहीं, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा आराम से। टैनी जी, मुझे आपसे। टैनी, टाइम का ध्यान नहीं रहता ना तुम्हें, चलो। सॉरी सॉरी, मेरे को माफ कर दिया, तेरे भाई की बातचीत में ना मेरे दिमाग से उतर गया। देख, मैं तेरे से बाद में बात करूंगी। शह, वैसे तो बड़ा प्लेबॉय बनता फिरता रहता है तू, बट इतनी सी बात नहीं कह पाया तू उसे। शेम ऑन यू, शेम। ये देखो, मैं सोचू ना शाम की पार्टी में इनमें से कुछ पहनूं। डिजाइनर ड्रेसेस हैं। इसको डिजाइनर बोलती है तू? शट अप, इसमें हंसने की क्या बात है? इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ऐसी ड्रेसेस ना चप्पे चप्पे पे दुकानों में मारी मारी फिरती है। तुम्हारी इन चीप बातों से तो प्रूव हो गया है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की। सो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं खुद डिसाइड कर लूंगी कि मैं शाम की पार्टी में क्या पहनूंगी। बट आई एश्योर यू कि मैं जो भी पहनूंगी वो पार्टी की बेस्ट ड्रेस होगी। चीपड़ी, चुप हो जा, बहुत सुन लिया। और कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता,
आज मैं तेरे को एक बात सिखा देती हूँ। इंसान ना अगर मन का साफ होता है ना, मन से सुंदर होता है, तो वो चाहे कुछ भी पहने तो अच्छा लगता है। हा? और अगर मन में लो ना, तो कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, इंसान बेकार ही दिखेगा। और ये बात आज मैं साबित भी कर दूंगी शाम को, जब मैं अपने वही देसी कपड़े पहन के आऊंगी, और फिर भी तेरे से बहुत अच्छी लगूंगी, भले तू कितने महंगे और फैंसी कपड़े पहन लेना, समझी? थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं जरा जाके आराम करता हूँ। दादाजी आप कैसे थक सकते हैं, आप तो अभी यंग हैं, है ना? और वैसे भी अमन ने तो आपके साथ मूवी देखने का प्लान बनाया। मैंने? हाँ तू ही तो कह रहा था कि यूएस में दादाजी की बहुत याद आती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है, इसलिए जाने से पहले मैं दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हाँ, कह रहा था भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर हम मना कैसे कर सकते हैं? हमने की मां, आज हम अपने पोते के साथ फिल्म देखने चलते हैं, तैयार हो जाओ। दादी जी मैं बताती हूँ आप कौन सी साड़ी पहनी है आज। एंजॉय योर फूड। ये क्या चक्कर चला रहा है पार्थ, कुछ तो गड़बड़ है। काम पड़ा है ना, मैं नहीं होती तो पता नहीं धनुषालियों का क्या। ये मिस्ड कॉल, तेरे पास ज्यादा पैसे है क्या? घर में मेरे को क्यों फोन कर रहा है तू? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो मैंने भी तेरे को बोला था ना कि मेरे पास आज बिल्कुल बेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, शाम को आराम से बात करूंगी मैं तेरे से, समझा? कैसी लड़की यार, ठीक से पूरी बात भी नहीं सुनती है। कोई बात नहीं, आज शाम को जब उसे अपने दिल की बात बताऊंगा ना, तो देखती रह जाएगी ये देसी। एक्सक्यूज मी सर जी, मुझे पार्थ सर ने बुलाया था, उनके दादाजी की 50वीं सालगिरह है डेकोरेशन के लिए। ओह माय, तो ये चक्कर है, आज दादाजी और बाकी रिश्ते की हाफ सेंचुरी, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहां बैठिए आराम से, मैं तब तक किसी को अंदर से भेजता हूँ आपसे बात करने। जी मैं टेनी के लिए अपने प्यार का इजहार आज पार्टी में सबके सामने करूँ, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है दादाजी के लिए, आखिर में वो भी तो यही चाहते हैं। क्या बात है, इतना अंधेरा क्यों है? सब लोग कहाँ चले गए? सरप्राइज, शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो दादाजी जी। रमणे केंदु, आप लोगों ने इतना कुछ हमारे लिए किया, वाह। आप दोनों हैं तो हम सब हैं, ये घर है, परिवार है, तो ये समझ लीजिए ये सब हम आपके लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं। अंबिका, 50 साल से जो बात हमने अपने बच्चों से छुपा के रखी थी, आज उन्हें पता चल गया। शादी की 50वीं सालगिरह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। ये था पार्थ और भाभी का अमेजिंग परफॉर्मेंस, लेकिन सरप्राइजेस का यह सिलसिला
अभी खत्म नहीं हुआ है। सरप्राइजेस की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है देसी गर्ल टेनी। और साथ में मैं भी। और अब दादाजी और बा के लिए मेरा सरप्राइज। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अपनी जिंदगी का आने वाला हर पल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। शादी करोगी मुझसे?